जंगलों के बीच दिख सा रहा है, ऐसे दहाड़ रही है जैसे जंगल में शेर। सुनिए सुनिए, अगर इसकी दहाड़ सुननी है तो आपको एयरफोन लगाना पड़ेगा। कैसे है सब? तो कैसी है मेरी थॉटल बावे की फैमिली? आज हम निकलेंगे 4 दिन के तौर पे। पहला दिन होगा हमारा कुर्ब से बिलासपुर, देन सेकंड डे बिलासपुर से मुंगेली, थर्ड डे मुंगेली से मेरे गांव, फिर फोर्थ डे गांव से हम आएंगे सीधे कोरबा। लेकिन निकलने से पहले हमको कराना है चेमल्यू। लंबी राइड में निकलने से पहले मैं हमेशा सारी चीज़ें बराबर चेक करके ही चलता हूँ। अगर 6 आवर के रास्ते में कुछ हो गया तो बहुत ही तगड़े से लग जाने वाले हैं। फोन कर रही थे शशि, डन सो एक काम हो गया चैनल का। और अभी फ्यूलिंग की जरूरत तो उतनी है नहीं, आगे बलौदा के आसपास करेंगे इसकी फ्यूलिंग। अच्छा आराम से के रेलवे फाटक। एक्चुअली पूर्वस ट्रैक से।
बिलासपुर जाने के एक्चुअली है तीन रास्ते, एक है बलौदा, एक है कटघोरा, देन लास्ट है दीपका। बट वो दो कटघोरा दीपका वाला रास्ता बहुत ख़राब है, तो हमने ऑप्ट करा ये बलौदा वाला रास्ता। तो चलिए चलते बलौदा वाले रास्ते पे। कुरबा का एंट्रेंस गेट, रात को काफ़ी अच्छा लगता है, रात को लाइटें वाइटें जलती है, ये पार्क है, रात को काफ़ी देखने लायक होता है। ये उर्गा और ये अब आगे जाएंगे तो ये रास्ता जाता है बिलासपुर को, और वो बिल्कुल पीछे ये चौराहा है एक्चुअली, तो वो पीछे वाला रास्ता जाता है, वो जाता है रायगढ़ की तरफ, और राइट जाता है कोरबा, लेफ्ट चापा। इट टेक्स 40 मिनट्स टू रीच बलौदा फ्रॉम कोरबा एंड 40 मिनट्स मोर टू गो टू बिलासपुर। चलो एक टी ब्रेक हो जाए। ठीक नथिंग इज मोर डिलीशियस देन टपरी चाय, यही एडलिन का काम करती है। नाउ वी आर इन बिलासपुर, कल हम निकलेंगे मुंगेली के लिए, तब तक देखते रहिए मेरा ब्लॉग और अपने दोस्तों को फैमिली को शेयर करना ना भूलिए।